काम, तुम चूल्हे भाड़ में जाओ, तुम्हारा चाहे जो कुछ बिगड़ जाए, हमें मौज से रहना चाहिए। हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, तुम्हारी तुम्हारा हमको कोई ठेका नहीं, हम ठेकेदार नहीं तुम्हारे। इसी वृत्ति का नाम है आसुरी वृत्ति, यही आसुरी वृत्ति है। हम काहू के मरही न मारे, ये आसुरी वृत्ति है। काम, काम का स्वरूप क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, मनश्च भद्रं दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्य हैतु, आवेश्यतां नो मतिरप्य हैतु। जिस कामना का संबंध केवल हमसे हो, हमारी इच्छा पूर्ति वासना पूर्ति से हो, हे राम जी उस कामना को कभी पूरी मत करना। हम रोमे गिड़गिड़ा में माथा पटक के मर जाएं तो भी पूरी मत करना। पर जिस कामना से सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, वो तो काम आपका काम है, आप उसे जरूर पूरा करेंगे ही, इसमें संदेह नहीं। हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, न कोई गौशाला खोलने की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं गौशाला खोलने की, और ना हमने खोली है। ये और हम बोल रहे हैं, ना हमने खोली है ना हमें खोलने की जरूरत है। ये भगवान के संकल्प से, गुरुजनों के अनुग्रह से, उनके सत्संकल्प से खुली है। हम लोग तो सेवक हैं। क्या आवश्यकता है बोलो? कोई जरूरत नहीं है, जो होना हो ना हो ना मत हो। क्या इसलिए बाबा जी बने? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। गोवध जैसा भयंकर पाप इस धरती पर हो रहा है, मरना तो सबको पड़ेगा, आपको हमको सबको मरना पड़ेगा। और जब मर के ठाकुर जी के दरबार में जाएंगे, वो कहेंगे भाई तुम भी धरती पर थे, गोवंश की हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? गाय के लिए तुमने क्या किया? तब क्या उत्तर दोगे राम जी के दरबार में? जीवन उसी का कहलाने के योग्य है जो जीवन अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। इसलिए गौ सेवा का कार्य, बटुक ब्रह्मचारियों के की सेवा का कार्य, ब्राह्मणों की सेवा का कार्य, अच्छे संस्कारों को सृजन करने के लिए जो कुछ अच्छी प्रवृत्तियां हैं, ये सब भगवान के कार्य हैं, ये किसी मनुष्य के कार्य नहीं है। इससे किसी व्यक्ति के स्वार्थ का अणु मात्र भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यही सब कार्य पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले।
केशवराम जी महाराज, एक कल्पना करें कि पूरे देश में जहाँ जहाँ अच्छे लोगों के द्वारा वेद लक्षणा भारती गोवंश की सेवा हो रही है, नस्लों का संरक्षण और संवर्धन आदि हो रहा है, मान लो ये ना होता तब क्या होता। मान लो ये ना होता, कहीं कोई वेद विद्यालय नहीं होता, कहीं कोई संस्कारों के सृजन की कोई व्यवस्था नहीं होती, कहीं कोई गौशाला नहीं होती, तो क्या होता राष्ट्र समाज का, देश का, धर्म का क्या होता? आज उन महापुरुषों की, महानुभावों की हम सब पर बड़ी कृपा है, सारा समाज और सारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है जो इस प्रकार के पवित्र कार्यों को करके धर्म और संस्कारों को बचाए हुए हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अपना स्वार्थ कुछ नहीं, फिर प्रपंच में क्यों पड़ना? क्योंकि वह जो काम है उसका अपने संबंध से नहीं है, पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसकी परिकल्पना की जा रही है। ये भगवान के कार्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितनी अच्छी बात नंद बाबा ने सत्संग की कही कि त्रिवर्ग की बड़ी महिमा है, पर जिस त्रिवर्ग का संबंध केवल स्वसुख से है वह त्रिवर्ग भी त्यागने के योग्य है, कि वही त्रिवर्ग त्रिवर्ग है जिसका संबंध सबके हित से है, सबके सुख से है, सबके कल्याण से है। और इस प्रकार के त्रिवर्ग का जो अनुष्ठान करते हैं उनको चौथे पुरुषार्थ की अपने आप प्राप्ति हो जाती है, वो संसार चक्र से छूट जाता है।